नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर पुलिस ने की बड़ी पहल, पूरे शहर में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। प्रदर्शन करने भोपाल पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी, नौकरी से हटाने पर सरकार का किया विरोध। महू में निःशुल्क नेत्र और चेकअप कैंप आयोजित, महू ऑब्स्टिकल ने किया शिविर आयोजित। पुलिस विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू, इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने दी जानकारी। सुठालिया तहसील के गांव टुआ खेड़ी में हर साल की तरह इस साल भी बुधवार की रात श्री गुरु महाराज की समाधि स्थल पर शाम को करीब 6:30 बजे निशान चढ़ाकर आरती और पूजन कार्यक्रम किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने अमावस को लेकर समाधि स्थल पर 24 घंटे भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी किया। इस मौके पर गांव के भजन कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति भी दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारतीय जनता पार्टी के पितृ महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थल पर समर्पण दिवस के रूप में इसे बनाया। साथ ही इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी के साथ कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पिंक टॉयलेट्स और फीडिंग एरिया तैयार किए गए हैं। गुरुवार को पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के आतिथ्य में स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। स्मार्ट सिटी को CEO अदिति गर्ग ने बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 25 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। शहर के 25 लोकेशंस पे हम लोग ने पिंक टॉयलेट निर्माण किए हैं, जिनका नाम शीकुंज दिया गया है। यहाँ पे महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि एक टॉयलेट है और उसके अतिरिक्त फीडिंग रूम की भी सुविधा है। यदि किसी महिला को, नवजात शिशु को फीडिंग कराना हो तो वो यहाँ पे एक सेफ और सिक्योर जगह पे आके उनकी फीडिंग करा सकती हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो 25 लोकेशन हमने चूज़ किए हैं वो सबसे व्यस्त बिजी कमर्शियल मार्केट वाले एरिया है, जैसे जहाँ पे महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें और किसी भी महिला को जो घर के बाहर है या नवजात शिशु के साथ है उसे कोई असुविधा ना हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक डायपर डिस्पेंसिंग मशीन और सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन भी लगाई गई है। जो डायपर्स और सैनिटरी पैड्स हैं वो हम लोग महिलाओं के समूह से बनवा रहे हैं, तो वो हैंडमेड होंगे और इजी टू डिस्पोज रहेंगे। और इसके साथ साथ इसके रख रखाव के लिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे हर केंद्र पे 2 महिलाओं को रखा गया है, वो यहीं पे रहेंगी 24 घंटे और उन्हें एक तरीके की आय प्रदान की जाएगी। ये वो महिलाएं हैं जो जिन्हें हम लोग ने मतलब जो पीड़ित हैं किसी कारण से या विमेन फेसिंग क्राइम ऐसी स्थिति से निकल के आई हैं, तो उन्हें हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय करके रखेंगे। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने इस प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम को अपनी तरफ से बधाई देते हुए प्रोजेक्ट को महिलाओं के लिए खास सौगात बताया है। एक बहुत ही नैसर्गिक ज़रूरत थी और इसको आज हम इंदौर को समर्पित करने जा रहे हैं। मैं नगर निगम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ और अदिति जी ने जैसे अभी मुझे जानकारी दी है कि ये PPP मोड पर बना है और प्रतिवर्ष इससे नगर निगम की आमदनी भी होने वाली है। और जिन बहनों को यहाँ काम दिया जाएगा, बहनों को ही काम पर रखा जाएगा। कोई बहन प्रताड़ित है, कोई रोजगार के अभाव में परेशान है, ऐसी बहनों को यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% भागीदारी बहनों की सुनिश्चित की, उस अनुपात में ही हमें सभी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी करनी ही होगी। और निश्चित रूप से ये बना करके शौचालय बहुत ही अद्भुत उपहार बहनों को दिया, मैं बधाई देती हूँ नगर निगम को। और फीडिंग रूम भी है इसमें कि माता बहनें कई बार बहुत इमरजेंसी हो जाती है और सीधे उन्हें घर की तरफ जाना होता है, तो इन सब मुसीबतों से वो बचेंगी और महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये एक बहुत मजबूत कदम है। आज आयुक्त महोदया प्रतिभा पाल जी भी पहुँचने को थी,
पर बहुत छोटा उनका बच्चा है, उसकी कुछ सेवा में वो लग गई, तो मैं उनको और पूरे इंदौर नगर को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। इंदौर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अब इंदौर पुलिस एक अनूठी पहल शुरू करने वाली है। बता दें, इंदौर पुलिस हैदराबाद की तर्ज पर शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बना रही है और इसके लिए एक गाइडलाइन भी तैयार की जा चुकी है। पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के चलते आपराधिक घटनाओं में कमी आती है और कई बार आरोपी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाता है। डीआईजी इंदौर श्री कपूरिया सर ने भी आप सबके सामने ये विचार रखा है और हम ये देखते हैं कि सेफ सिटी के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम शहर को सीसीटीवी कवरेज से आच्छादित करें। हैदराबाद शहर में 2 लाख से अधिक सीसीटीवी काम कर रहे हैं और ना केवल काम कर रहे हैं बल्कि हैदराबाद के विभिन्न थानों और कंट्रोल रूम में उन 2 लाख से अधिक सीसीटीवी फुटेज का लाइव उपलब्ध है। इसी बात को आप सबके माध्यम से और हम डीएम साहब को, कमिश्नर नगर निगम को भी ये अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी बिल्डिंग परमिशन या किसी भी प्रतिष्ठान की अनुमति देने के पहले स्थानीय स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि उस प्रतिष्ठान में, उस बिल्डिंग में अनिवार्य रूप से हाई रिजोल्यूशन कैमराज, नाइट विजन कैमराज लगाए जाएं और एक अभियान चले, आप सबका साथ मिले तो इस शहर को हैदराबाद की तर्ज पर हम सीसीटीवी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएं ताकि यदि कोई छोटी बड़ी घटनाक्रम होती है तो उसके लिए पुलिस के लिए सबसे बड़ी सहायता जो मिलती है वो सीसीटीवी फुटेज से मिलती है। और एक और व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि जिन स्थानों पर सीसीटीवी लगे हैं वहाँ अपेक्षाकृत वारदातें कम होती हैं, क्योंकि अपराधियों को मालूम रहता है कि यदि हम इस इलाके में घटना करेंगे, चोरी नकबजनी या लूटपाट करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। बहुत जल्दी इंदौर पुलिस इसकी शुरुआत कर रही है और आप सबके माध्यम से भी मैं ये चाहूँगा कि हम इंदौर के समाज को, जो संपन्न लोग हैं, बड़े बड़े, जैसा कि मैं देखता हूँ लोग 10 करोड़ के 20 करोड़ के घर हैं, उसके बावजूद भी 10,000 रुपये खर्च करके सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाते हैं, तो हम सबको अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी परिचय दें और एक सुरक्षित इंदौर की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर सीसीटीवी लगाएं। गुरुवार को कोविड-19 में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन के सामने प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो वे करीबन 2000 योद्धा हैं जो यहां आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि कोविड-19 में अपनी सेवाएं दी है, ऐसे समय में कार्य किया है जब कोई अन्य तैयार नहीं था, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को उन्हें परमानेंट करना चाहिए या संविदा पर रखना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे और आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं, कोविड-19 योद्धा हैं सारे और यहाँ पे हम 52 जिलों से एकत्रित हुए हैं और जितने आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने नहीं हैं, हम समथिंग 1500-2000 रहे यहाँ पे हैं और सब इधर उधर फैले हुए हैं। ये पुलिस ने हमें तितर बितर कर दिया है, हमें हमारी मांगें भी नहीं मांगने दे रहे हैं। क्या मांगे आप? हमारी मांग यही है, जब कोरोना फैला था तब हम लोग प्राइवेट सब जॉब कर रहे थे और मध्य प्रदेश में स्टाफ की कमी थी और परमानेंट स्टाफ था, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया था कि कोरोना में काम नहीं करेगा, तो उन्होंने नियुक्तियाँ निकाली कि 20,000 रुपये पर हम अस्थाई स्टाफ रखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इसमें फॉर्म डाला इसलिए ये सोच के कि आज देश को हमारी ज़रूरत है, कल जब हम कुछ देश से मांगेंगे तो सरकार भी हमें उस चीज़ देगी, वरना 20,000 रुपये के लिए हमने ये नौकरी नहीं की है, जान जोखिम में डाल के सब 20,000 रुपये कमा रहे थे, सिर्फ इसलिए नौकरी की थी कि कल सरकार से हमें भी कुछ उम्मीद होगी। और इन्होंने 9 महीने हमसे काम कराने के बाद ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं। अब हमें न तो धरने की अनुमति दे रहे हैं, न CM साहब से मिलने दे रहे हैं और हम 52 जिलों में बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ 2 दिन से आए हुए हैं, एक टाइम खाना खाए हुए हैं सभी लोग। धर्मांतरण के मामले में अलीराजपुर विधायक नागर सिंह चौहान के हिंदू जन जागृति मंच का समर्थन करने पर
जौबट विधायक कलावती भूरिया ने, नागर सिंह चौहान और उनके भाई दिलीप चौहान ने क्षेत्र में अशांति फैलाने और क्रिश्चियन धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसके चलते भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान ने अपनी पत्रकार वार्ता में जौबट विधायक कलावती भूरिया पर और भूरिया परिवार पर सालों से तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। इसके जवाब में जौबट विधायक कलावती भूरिया ने अपनी पत्रकार वार्ता में कहा कि नागर सिंह चौहान और उनका परिवार शुरू से ही आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। मुझे जौबट विधानसभा की जनता ने प्रमाण पत्र दिया है, ना कि नागर सिंह चौहान ने प्रमाण पत्र दिया। और तेरे को हराया, तेरा दादा मुकेश पटेल ने हराया, मैंने तो माधु सिंह डावर को हराया। तो जौबट विधानसभा से तेरा क्या लेना देना, तो इतना तो आग मूत्र हमारे। एक सवाल बोल रहा कि कलावती भूरिया को मैं महिला तो भी निपटाऊंगा, रोड पे निपटाऊंगा और मंच पे निपटाऊंगा। और मेरा बाप 20 साल जेल भी गया था और मैं भी जाने चाहता हूँ। तो तेरे तो खून में तेरे चरित्र ही है, तेरा परिवार का चरित्र ही है। किसको मारना, किसको पीटना, तेरा परिवार का चरित्र ही वही है। तुम सीखे ही वही है ना, तुम खानदानी होते ये भाषा नहीं बोलते। एक जनता का चुना हुआ व्यक्ति को चैलेंज दे रहा तू, ये मेरी जौबट की जनता का अपमान है, मेरा अपमान ही है। उन्होंने चुना मुझे, उन्होंने लाके मुझे चुनाव लड़ाया जौबट की जनता ने। तो नागर सिंह बार बार जौबट विधानसभा के लिए क्यों लगा हो? उसका पूरा परिवार लगा, कभी जाति के नाम से, कभी धर्म के नाम से। मैं नागर सिंह चौहान से पूछना चाहती हूँ कि 15 साल सरकार तेरी थी और तेरा विधायक था, तूने कितनी जगह रोका, किस किस धर्म वालों को रोका और किस कितनी जगह FIR कटवाई तूने? क्या अलीराजपुर में नहीं चल रहा मामला ये? कभी मेरे को कहता ईसाइयों का दलाल, कभी कहता किसका दलाल। तो इस देश के संविधान में सभी समाज को रहने का अधिकार है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में सभी जिलों में पुलिस अधिकारी की कमी को देखते हुए नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके चलते इंदौर जिले में भी लंबे समय से पदोन्नति के लिए रुके पुलिस कर्मियों से लेकर अधिकारी तक की पदोन्नति अब की जाने वाली है। इसको लेकर इंदौर IG हरि नारायणचारी मिश्र ने बताया कि जो पुलिसकर्मी पदोन्नति की लाइन में लंबे समय से अटके हुए हैं, उनकी रैंक के अनुसार उनको पदोन्नति करने की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस मैनुअल के अनुसार 72 के अनुसार उसमें एक GOP भी जारी किया गया है और यह एक बड़ी क्रांतिकारी कदम है पुलिस के पदोन्नति के संदर्भ में। इसके कारण वैसे जवान जो लंबे समय से पदोन्नति न होने के कारण हतोत्साहित महसूस अगर कोई कर रहा हो तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक आशा की किरण है। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल में जो सक्षम अधिकारी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि रैंक से बंधे होते हैं, बहुत सारी ऐसे विवेचनाएं होती हैं जो रैंक की परिधि से तय होती हैं। इसमें अब सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और ASI पद पर बहुत सारे ऐसे जवान जो लंबे समय से किसी तकनीकी कारणों से या जो भी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार उनका प्रमोशन या उनका पदोन्नति बाधित थी, उनके लिए किया गया है। और पुलिस रेगुलेशन 72 के अनुसार आने वाले दिनों में उनको निर्धारित शर्तों के तहत, जिसमें उन्हें वेतन तो नहीं मिलेगा, वेतन तो पूर्ववत रहेगा, लेकिन उनको रैंक मिल जाएगी, वो अधिकार मिल जाएंगे जो नए पद पर वो कर सकते हैं और कार्यवाहक अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति भी होगी। तो इन सारे शर्तों के अनुसार ये प्रक्रिया लागू होगी और निश्चित तौर पर इसके लागू होने से पुलिस में प्रभावी तौर पर जो वरिष्ठ पद हैं उनकी पूर्ति की जा सकेगी। महू ऑब्स्टिकल ने माणक चौक एक्सिस बैंक के पास निःशुल्क नेत्र और आंखों की जांच का कैंप आयोजित किया, जिसमें आंखों के निःशुल्क जांच और निःशुल्क ही नंबर के चश्मे वितरित किए गए। महू ऑब्स्टिकल के मालिक हाजी मोहम्मद अयूब ने बताया कि महू ऑब्स्टिकल के तत्वाधान में ऐसा निःशुल्क शिविर दूसरी बार लगाया गया है, जिसमें लगभग 200 लोगों की निःशुल्क आंखों की जांच की गई है। ऑप्टिकल के तरफ से जो आंखों की जांच यहां पर निःशुल्क फ्री की जा रही है और जो ज़रूरतमंद है उनको नंबर के चश्मे भी फ्री दिए जा रहे हैं। और हम एक
सेवा के माध्यम से ये कैंप लगाए हमने और सभी लोगों की जांचें जो है निःशुल्क हो रही हैं यहाँ पर। ये आँखों की मशीनें जो हैं इम्पोर्टेड मशीनें अच्छी वाली, उन मशीनों से जांच की जा रही है और अनुभवी डॉक्टर जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं भोपाल रतलाम से, उनके द्वारा आँखों की जांच की जाती है और आने वाले टाइम में भी हम जो है निःशुल्क ही जाँच यहाँ पर करेंगे आँखों की। भविष्य में कभी भी किसी से कोई जाँच का पैसा नहीं लिया जाएगा और नंबर के जो चश्मे हम लोग जो बना रहे हैं वो भी बहुत कम दाम में बना रहे हैं सभी के लिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। आज के समय जहां कोई किसी की मदद करने को आगे नहीं आता है, वहीं एसवी क्रेडिट लाइन ने लोगों की मदद करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। बता दें इंदौर में एसवी क्रेडिट लाइन एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान है। संस्थान ने ठंड से ठिठुरते हुए असहाय निराश्रित और गरीब लोगों को कंबल वितरित किए हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है जो गरीबों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इंदौर में कोरोना वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार से इंदौर में पुलिस के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू हो चुका है, जिसमें इंदौर के आईजी और डीआईजी सहित पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगाया गया। बता दें इंदौर में अभी एसएफ के जवानों को वैक्सीन लगाई गई है और डीआरपी लाइन में भी पुलिस कर्मियों को वैक्सीन का टीका लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस वैक्सीनेशन शहर में शुरू हो गया है और मुख्य तौर पर शुरुआती दौर में जो हमारे एसएफ के जवान थे उन सभी को इसमें लगाया गया है। आज अलग अलग उसमें क्रम निर्धारित किया गया है। आज पुलिस लाइन से बहुत सारे जवानों को उसमें वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। सारे अधिकारी भी वो भी वैक्सीन को ले रहे हैं और यह निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो चुनौती है, चुनौती से लड़ने के लिए इसके संक्रमण के अलग अलग स्वरूप आए हैं, तो मुख्य तौर पर यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बीच इस वैक्सीन का उपलब्ध हो पाना। और पुलिस भी चूँकि निश्चित तौर पे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस के जो जवान हैं प्रथम पंक्ति के योद्धा हैं, इसलिए प्राथमिकता के तौर पर लगाया जा रहा है और सभी जवान लगभग आने वाले एक दो दिनों में हो जाएंगे। लगभग 50% के आसपास जिनको निर्धारित किया गया है उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। मनावर तहसील का सबसे बड़ा ब्लॉक उमरबन, जिसमें 78 पंचायतें आती है, उमरबन जनपद में शासकीय कॉलेज खोलने का प्रस्ताव काफी समय से लगातार किया जा रहा है, लेकिन कॉलेज का भवन अभी तक नहीं बना है। फिर भी जनपद पंचायत के एक भवन में कॉलेज के छात्र छात्राओं की पढ़ाई होती है। शिक्षक तो वहां सभी हैं लेकिन कॉलेज जैसी दूसरी सुविधाएं यहां पर मौजूद नहीं है। कॉलेज में लैब नहीं है, बेंच भी आईटीआई कॉलेज से लाना पड़ती है, पीने का पानी नहीं है, यहाँ छात्र स्कॉलरशिप से भी वंचित रह जाते हैं। अब कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी समस्याओं से मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा को अवगत करवाया है। इसके बाद विधायक ने छात्रों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। हम शासकीय महाविद्यालय उमरवन के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। ये महाविद्यालय यहाँ पे खुला तो है पर इसमें बहुत सारी सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, ना वॉशरूम है, ना बैठने की व्यवस्था है और ना ही हमको स्कॉलरशिप टाइम से मिल रही है, ना आवास योजना मिल रही है, बल्कि समथिंग कुछ भी नहीं। हमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में आ गए हैं पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमको सारी सुविधा अच्छे से मिल सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे महाविद्यालय खुला है तो हमको लाभ शिक्षा तो अच्छी मिल रही है पर बाकी सुविधा हमको बराबर कुछ भी नहीं मिल रही है। बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। अभी 3 क्लास हो गए हैं फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक, तो हम दूसरी स्कूलों में जो पास में स्कूल है वहाँ पे हम बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये तो मेन हो गई। और बाकी चीज़ें तो यहाँ पे है पर पढ़ाई अच्छी हो रही है। हाँ, साइंस का भी है हमारे पास ना, लैब नहीं है हमारे पास, लैब नहीं है। हम प्रैक्टिकल करने के लिए बाहर जाते हैं और मेन प्रैक्टिकल के लिए हमको बाहर ले जा रहते हैं, तो हमने यहाँ पे कराई नहीं तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे। लैब के लिए हमको मनावर जाना पड़ता है या धार जाना पड़ता है। कितने समय में जाते हैं आप लोग?
साल भर में एक ही बार जाते हैं मेन प्रैक्टिकल करने के लिए, वो भी देने के लिए। मेन प्रैक्टिकल यहाँ पे तो होता ही नहीं है, हमारा बाहर होता है, तो हम वही डायरेक्ट देने जाएंगे तो लिखेंगे क्या उसमें, हमको पहले तो कुछ करवाया नहीं। और ये सुनने में आया है कि कॉलेज बंद होने की अफवाह हो रही फैला रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पे कॉलेज खुला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको कॉलेज करने के लिए जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, मनावर धार या धर्मपुरी जाना पड़ता है, तो यहाँ पे कॉलेज खुल गई तो बहुत सुविधा तो है पढ़ाई के लिए, लेकिन बाकी सुविधाएँ नहीं है। हाँ, पढ़ाई तो अच्छी होती है, हाँ सभी विषय के टीचर है, बल्कि समथिंग सारी क्लासें लगती है और हम क्लास अटेंड भी करते हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं। इंदौर में एसपी पूर्व आशुतोष बागरी के निर्देशन में पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी थानों में जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए एसपी पूर्व ने बताया कि क्षेत्र के 18 पुलिस थानों में सप्ताह में एक बार शाम के समय जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम जनता से चर्चा कर उनकी लोकल स्तर की समस्याएं जानी जाएगी। देखिए, हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो एसपी ईस्ट के अंतर्गत थाने हैं, 18 थाने हैं, उन सभी थानों में सप्ताह में एक बार शाम को वो जगह हम चिन्हित करेंगे जहाँ पे कि ज़्यादा अपराध होते हैं, वो शिकायतों का कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे हम, और ये देखेंगे कि जहाँ पे रियल में ज़रूरत है जनसंवाद करने की, वहाँ पे जनप्रतिनिधियों को भी, वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं जो पुलिस के सपोर्टर हैं और साथ में आम पब्लिक, उन सबको मिल करके वहाँ पर हम खुद जाएंगे और जाकर के संवाद करेंगे। संवाद में यदि उनकी लोकल लेवल पे कोई दिक्कत है, कोई गुंडा है, बदमाश है, परेशान कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हो गई, और उनके और पुलिस रिलेटेड जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जिस तरह से वो पुलिस से चाहते हैं कि पुलिस उनकी इस तरीके से काम करे, मदद करे, वो सारी चीज़ें, प्लस साथ में ऐसी और अन्य चीज़ें जिसमें कि उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, OTP को लेकर के जैसे फ्रॉड होते हैं, उस तरह की घटनाएं हो गई, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं, उस तरह की चीज़ें हो गई, और भी ऐसी तमाम चीज़ें जहाँ पे कि जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, वहाँ पे हम जाएंगे और लोगों की बात सुनेंगे और उनका त्वरित निराकरण वहीं पे ऑन द स्पॉट जो हो सकती हैं वो ऑन द स्पॉट होंगी, और जो इनमें समय ले सकता है वो उनको विधिवत रिकॉर्ड में लेकर के और उनका निराकरण करूँगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। लगातार दोनों पार्टियों में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और आगामी योजनाएं बनाने के लिए कई योजनाएं की जा रही है। इसी के चलते कांग्रेस ने इंदौर के ग्राउंड ओमनी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस नेता विजय लक्ष्मी साधो पत्रकारों से रूबरू हुई। ये उनका सोच है, कांग्रेस समुद्र है, कई आते हैं कई जाते हैं, कांग्रेस एक समुद्र है। सवाल खत्म हो गया, चलो। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मेरे आदर्श नेता कृपा शंकर शुक्ला है, मैं उन्हें अपना आदर्श नेता मानता हूं। इसी के साथ सज्जन सिंह वर्मा ने कई बातें कही। 21 को आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आ रहे हैं, बाकी कहीं जाना हो तो जा सकते हैं। इसी के साथ इस मौके पर कांग्रेस से इंदौर महापौर पद के प्रत्याशी विधायक संजय शुक्ला भी पत्रकारों से रूबरू हुए। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, जब भी मुझे टिकट दिया मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा, भले पार्षद का हो या विधानसभा का हो, अब मुझे मेयर का टिकट दिया मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। ये इंदौर में 20 साल से जो हमारे मेयर रहे उन्होंने क्या करा ये आप भी जानते हैं। इंदौर शहर में ऐसी कोई योजना नहीं जिससे इंदौर शहर का नाम रोशन हो। जो काम होना चाहिए, जो गटर साफ होना चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, वो हर पार्षद और हर अधिकारी करता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेयर रहे उन्होंने इंदौर शहर के लिए कौन सा काम करा है। इंदौर के लिए वो शर्म वाली बात है कि इंदौर को 20 साल से लगातार जो भी मेयर बना है उसने बोला कि हम इंदौर की जो नदी है हमारी, जो नदी थी उसको हम नदी बनाएंगे वापस, जो नाला था, परंतु 20 साल में अरबों रुपया खर्चा होने के बाद भी 20 साल हो गए उस नदी को आज तक नहीं बना पाए, तो मतलब इसी को कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। इंदौर नंबर वन हुआ है तो जनता ने करा है, वहाँ सफाई कर्मचारियों ने करा है, वो जनता ने उसका पैसा दिया है, उसके कारण हुआ है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो भी आप मेयर देखोगे एक भी 5 साल में कहीं नहीं दिखते और ना कोई काम करते हैं। आपने खुद ने देखा होगा, ना नगर निगम में बैठते हैं, ना अपने घर बैठे रहते अधिकारी हैं, वो अपने घर बैठे रहते हैं, कोई कमी सरकार वहाँ पर नहीं बैठता। आपकी कांग्रेस मेयर बनेगा तो मेयर भी ऑफिस में बैठेगा, वो जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं सब कर्मचारी ऑफिस में बैठेंगे और काम करेंगे। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत बड़ी संख्या में लापता बालिकाओं को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर जिले में उक्त अभियान के तहत कार्यवाही की गई, जिसके चलते इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी पूर्व आशुतोष बागरी के अनुसार 110 बालिकाओं को उत्तर प्रदेश
बिहार, बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से बरामद किया गया है। इनसे गुमशुदा होने के पीछे अलग अलग कारण सामने आए हैं। फिलहाल अब तक बरामद हुई बालिकाओं को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। देखिए, ऑपरेशन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक अभियान था जिसमें बच्चियों को, ऐसी बच्चियां जो नाबालिग थीं और वो गुमशुदा थीं, जिन पे 363 आईपीसी की कायमी थी, उसको लेकर के चलाया गया था। और इस अभियान को लेकर के इंदौर पुलिस ने बहुत ही सजगता से काम किया और हमारे एसपी पूर्व इंदौर के उसमें करीब 110 बच्चियों को रिकवर किया गया। और ये बच्चियां उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और गुजरात, मध्य प्रदेश के डिफरेंट हिस्सों से उनको बरामद किया गया है। और इनमें जो इनका जो प्रोफाइल रहा है वो सबका अलग अलग टाइप का रहा है। कई एक तो ऐसा परिवार ने डांट दिया तो वो भाग गई, फिर बाद में पुलिस ने उनको रिकवर किया, तो कुछ इस तरह के भी मामले हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला इसमें नहीं आया हमारे संज्ञान में कि जिसमें ये समझ में आया हो कि इनका दुरुपयोग या इस तरह की कोई चीज़ उनके साथ में गलत की गई। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।